NaHS का और ये डालो। सर बेकिंग सोडा होता है ना सर? कौन सा? NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। यस। That is. Na2CO3 लास्ट टाइम जो अपन ने पढ़ा था वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी कैन राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड। Ap4 Ap5 पर लिंक नहीं मिला क्या? एक मिनट देख लेते हैं। नेक्स्ट नेओच देख लेते हैं। तो वी कैन राइट दैट NaOH पढ़ लेते हैं सेकेंड कंपाउंड। NaOH इज कास्टिक सोडा, वी नो दैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl को अपन ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इन कास्टनर केलनर प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में व्हाट वी डू, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। हमारे पास कैथोड एनोड होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसे ले लेते हैं और इनको अपन ज्वाइन करते हैं विद द बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव एंड है तो ये एनोड होगा। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। ये कैथोड होगा। नहीं आवाज तो ज्यादा ही आनी चाहिए, आवाज तो फुल है। हाँ सर ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है। तो एक्वस NaCl में ये H2O है, Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है। एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है और कैथोड जो होता है वो मर्करी कैथोड होता है। सो मर्करी कैथोड मतलब फिल्ट्रेट लाइक दिस। रिएक्शन एट कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन।
कैथोड रिएक्शन देखेंगे तो इसमें Na पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट में, और एनोड पे इधर इसका रिएक्शन होता है, इधर इसका रिएक्शन होता है, तो कैथोड पे वी गॉट अ रिएक्शन ऑफ सोडियम आयन एंड द एनोड पे Cl माइनस है, उसमें Cl2 लिबरेट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन होता है रिएक्शन में वो सेल रिएक्शन अपन बोल सकते हैं दैट इज NaCl इज यूज्ड इन द सेल रिएक्शन, तो इसको अपन सेल रिएक्शन बोल सकते हैं। द सेल रिएक्शन इज सर वो NaHg क्या सोडियम एमलगम है सर? बिल्कुल सोडियम एमलगम बोलेंगे उसे। Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस है दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ये सोडियम अमलगम बनाएगा और इधर Cl2 लिपरेट होगा, दिस इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। इट इज अ सोडियम अमलगम इज अ एलाय ऑफ सोडियम एंड मर्करी मेटल। फिर जो सोडियम अमलगम जो इस पर डिपॉजिट होगा सोडियम, तो ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो सोडियम अमलगम बनाएगा, उसके सरफेस पे सोडियम अमलगम बनेगा सोडियम के डिपॉजिट होने के बाद। फिर अपन अमलगम को वाटर के साथ हीट कर देते हैं, सोडियम अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर, विद वाटर अपन NaHg को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो विल गेट दैट ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस एच टू प्लस अमलगम वो बन जाएगा अपने पास। दिस इज हाउ दैट NaOH is prepared by this Kastner-Kellner process. और भी दूसरे मेथड होते हैं NaOH को प्रिपेयर करने के, बट इंडस्ट्रियली हम Kastner-Kellner process से ही करते हैं। यूजेस की बात करें NaOH का यूजेस तो बहुत ज्यादा है NaOH का इन मैन्युफैक्चर ऑफ बॉक्साइट। सो पेपर प्योर फैट ऑयल्स एक्सेट्रा, ये इसके यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। वेट सर। सर पेपर के बाद क्या लिखा है? पेपर के बाद प्योर फैट एंड ऑयल्स। चलो नेक्स्ट वी कैन राइट इज NaCl दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसे।
इसको अपन कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर अपन इसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ NaCl इज सी वाटर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। By evaporating the water. Evaporation of water. The crude NaCl obtained from seawater contains seawater contains impurity as impurities as copper sulfate CaCl2 MgCl2 and as delisigant. और इन्हीं इम्प्योरिटीज की वजह से है ना, और उसी की वजह से उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है NaCl, वो इम्प्योरिटीज की वजह से, बिकॉज़ दीज इम्प्योरिटीज CaCl2 6H2O MgCl2 8H2O लाइक दैट वी गेट द प्रॉपर्टीज। प्योर NaCl इज ऑब्टेन्ड बाय obtained by passing HCl gas through the saturated solution of NaCl, which get precipitated due to the common end effect, which gets precipitated due to common end effect. So this is how we get the pure NaCl from seawater. This is the main use of seawater. From seawater we get the NaCl. नमक जो होता है वो अपन को seawater से मिलता है। Properties में ज़्यादा कुछ है नहीं NaCl के। The brine solution is used for the preparation of NaOH like that. Otherwise, it is used to prepare chlorine gas. तो अपन सी वाटर को लेते हैं या NaCl को प्रिपेयर करते हैं और इसको MnO2 से रिएक्ट करते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। NaCl को MnO2 से रिएक्ट करवाएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, तो वी गेट दैट Na2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Cl2 and then H2O. So it is used for the manufacture of chlorine gas. Chlorine gas is this method se prepare karte hai. This is the lab method for the preparation of chlorine gas. Thoda sa apan NaHCO3 bhi likh lete hain. Sodium bicarbonate, that is called baking soda. Sodium bicarbonate that is called baking soda. It is made by
बाय। पासिंग सीओ टू एट हाई प्रेशर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ saturated solution of Na2CO3. So we get that Na2CO3 होगा अपने पास, इसका saturated solution लेते हैं और उसमें CO2 pass करते हैं at high pressure. इसको pass करेंगे तो we'll get twice of Na2CO3. बेकिंग सोडा का एक कॉम्बिनेशन होता है, बेकिंग सोडा मतलब मेन कंपोनेंट इज NaHCO3 बेकिंग सोडा इज NaHCO3 प्लस स्टार्च प्लस सोडियम पोटेशियम स्टार्च होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज अबाउट द सोडा बेकिंग सोडा व्हाट वी रिक्वायर्ड. Uses of metals with it. Uses of metals. Sir, वो baking soda वाले line में bracket में last में क्या लिखा है? Tartarate. Sir, ये क्या है जो आपने मतलब equation किस चीज़ से है ये? ये equation थोड़ी है. ये तो combination है. किस किस चीज़ का है? बेकिंग सोडा का लिखा तो ओके सर. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा. कार्बन यूजेस लिख सकते हैं, पहले लिथियम के लिए लिख लेते हैं. लिथियम का यूजेस सर, आप सर आपने लिखा है बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर, वो बेकिंग पाउडर होना चाहिए ना? चलेगा, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं उसे कमर्शियली सर. पर बेकिंग सोडा में पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं होता शायद से. पोटेशियम टार्ट्रेट स्टार्च भी नहीं होता. नहीं, बेकिंग सोडा एनए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको पर बेकिंग सोडा बोलते हैं. लेकिन सिर्फ बेकिंग सोडा इसको थोड़ी बोलेंगे, NaHCO3 को, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं. जब आप मार्केट में कमर्शियली खरीदने जाओगे ना बेकिंग सोडा को, तो वो ये मिक्सचर देता है, कोई NaHCO3 थोड़े देता है तुमको. अदरवाइज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा बस. सो लिथियम मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज. As lithium होता है 0.05% plus lead. This alloy is very important, which is used for making tough bearings.
of bearings. Lithium aluminium alloy is used for in construction of aircraft. Even lithium magnesium alloy for manufacture of armor plate. A battle tank plate, no? That is armor plate. And aerospace components. So lithium alloys are used making bearings, aircraft constructions, armor plate and all. For producing lithium alloys jo hote hain, for producing thermonuclear energy. Nuclear energy. Producing thermonuclear energy for propelling rockets and guided missiles. Missiles. And guided missiles. They are prepared from lithium. Sir, what producing क्या है? Producing thermonuclear energy. लिथियम ड्यूटेरेट बनाते हैं ना न्यूक्लियर बॉम्ब. अच्छा सर. सर मतलब फ्यूजन प्रोसेस में काम आता है कैसे वो? बिल्कुल थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है वो. लिथियम ब्रोमाइड एज सेडेटिव. In medicines, lithium. Sir, क्या लिखा है third point? ये sedative होता है ना? वो बेहोश करने वाले medicines. Lithium chloride to regulate humidity. In thermonuclear plants, air conditioned plants. That is about the uses of lithium. Let us take for sodium. सोडियम का मेन यूज सर बोलो सर मतलब ये LIBR को ऐसे एज एनेस्थेसिया यूज करते हैं. बिल्कुल. सोडियम मतलब यूज as coolant in fast breeder nuclear reactor.
न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब। अपन उसे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जैसे यूज करते सर। बोलो सर, लिथियम में वो लिथियम आयन बैटरीज बैटरीज का भी तो पॉइंट आना चाहिए ना। ऐसे लिखोगे कि तो पूरा चैप्टर बन जाएगा। सारे लिखोगे तो पूरा चैप्टर बनेगा। हाँ सर, वो चाहिए जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो। ओके सर। रेड पोटेशियम, KCl इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। QH इज एक्सलेंट CO2 एब्जॉर्बर। In submarines, potassium superoxide as source of O2 in submarines. बिकॉज जो अपन KO2 को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, इट फॉर्म्स KOH एंड O2, तो वो KOH बनाएगा और O2 बनाएगा। Then this KOH in submarine absorb CO2 and convert into KHCO3. KHCO3 is water soluble. Potassium, rubidium, cesium used in photoelectric cells. Electric cells. That's all. फिर सोडियम पे एक बार दिखा सकते हो? ओके सर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तुम लोग खुद अपने आप लिखोगे फ्रॉम NCERT। आप खुद लिखोगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसके लिए हाफ पेज छोड़ देना और अपने आप लिख लेना। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसके लिए हाफ पेज छोड़ दो, आप उससे खुद नोट्स बना लेना उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होंगे।
बट लिखना जरूर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो क्वेश्चन पक्का आएंगे इससे। कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं जो एडवांस वगैरह में पूछ सकते हैं अपन से। ली ब्लैंक मेथड, तो प्रिपेयर। NaCl plus H2SO4, Na2SO4 plus twice of NaCl. Na2SO4 again, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा था? कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट Na2S प्लस CO2 और CO2। और फिर अपन Na2S जो बनेगा ना, इसको रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो बनेगा अपने पास कैल्शियम सल्फाइड प्लस Na2CO3। बट ये अच्छा मेथड नहीं होता है Na2CO3 प्रिपेयर करने का। अच्छा मेथड तो सोडा अमोनिया प्रोसेस ही होता है। इसमें ये 45% होता है। सोडा अमोनिया प्रोसेस में सॉल्वे प्रोसेस कैसे? मेरे ख्याल से वही कहा था मैंने, वही लिखा पर ने, देखो वही सॉल्वे प्रोसेस। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ब्लैक एश, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ब्लैक एश। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अगर Na2O2 को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो H2O2 बनेगा, लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो H2O2 डिकम्पोज हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा, तो NaOH के साथ O2 बनता है, फिर H2O2 बनता है। इवन इट हैपेंस विद जब अपन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, Na2O2 को अगर अपन एसिड के साथ भी रिएक्ट करें ना, जैसे Na2SO4 है, H2SO4 है, तो अपन को Na2SO4 मिलेगा और H2O2 मिलेगा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको H2O2 नहीं मिलेगा। परऑक्साइड्स को, दीज आर परऑक्साइड्स, इसको अपन ऑक्सोन भी बोलते हैं। Na2O2 इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सोन। तो ये H2SO4 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। वी कैन राइट इट,
पोटेशियम को जब वो लिक्विड अमोनिया में होता है तो ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है, इसको O2 से रिएक्ट करूंगा तो K2O2 बनाएगा, इसको हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म K2O3 इन एयर, दैट इज अ रेड सॉलिड, और इसको भी अगर हीट करोगे तो ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा K2O2, दैट इज अ येलो सॉलिड, दिस इज सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, बट दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सिस्की ऑक्साइड। सर आपने एरो के ऊपर क्या लिखा है? हीटिंग लिखा हुआ एरो के ऊपर, ये तो O2 लिखा हुआ। नहीं सर वो फर्स्ट एरो इन लिक्विड अमोनिया के बाद। अबे वही तो बोल रहा हूँ O2 लिखा है, थोड़ा धीरे बोलो ना तुम लोग, पूरा कान बज जाता है मेरा। ओके सर। ये पोटेशियम सेस्की ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिखा हुआ है, येलो सॉलिड है, ये रेड सॉलिड है, उनके कलर्स भी याद रखना, कलर्स इसलिए तो बता रहा हूं, इनके कलर्स भी याद रखना। पता नहीं अपने आप क्यों बंद हो गया था, मुझे लगता है अनस्टेबल होगा नेट। पॉइंट नंबर फोर देख लेते हैं, KOH को अगर KOH को लेकिन ड्राई फॉर्म में लेना, आप ड्राई पाउडर फॉर्म, इसको अगर अपन ओजोन से रिएक्ट करेंगे ना, इट विल गिव इवन एट लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो भी ये KO3 बनाता है, दैट इज अ ऑरेंज सॉलिड। कोई भी सुपर ऑक्साइड होगा, मैं आपसे वेब पेज दिखा सकता हूं? नहीं यार वो तो बंद हो गया था, वो गायब ही हो गया होगा। एनी सुपर ऑक्साइड्स, मुझे नहीं लगता वो अब रिस्टोर होगा तो मैं भेज दूंगा, अगर होगा तो। एनी सुपर ऑक्साइड में डिसॉल्व इन वाटर ना, दे विल फॉर्म KOH प्लस H2O2 प्लस O2। वैसे प्रीवियस पेज में क्या नहीं लिखा था तुमने बता दो तो मैं लिख लेता हूं। सर वो लिक्विड अमोनिया, हां लिक्विड अमोनिया में ना पोटेशियम एंड लिक्विड अमोनिया, मैंने इसको O2 से साथ रिएक्ट करवाया था तो K2O2 बना था, दैट इज अ रेड सॉलिड, फिर ये KO3 बनाता है, That is a yellow solid. ये तो peroxide था, ये peroxide है, ये red solid. Potassium sesqui oxide. और फिर उसके बाद अपन ने इसको हीट किया था तो ये KO2 बना रहा था, That is a yellow solid. ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको अपन ने पोटेशियम सेस्की ऑक्साइड लिखा था। ये लिखा था कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर NaOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे
ओ एन ए बनेगा फॉर्मेट। एनएच के साथ एक्वस सॉल्यूशन में वी गेट फॉस्फाइन गैस, प्लस सोडियम हाइड्रोजन हाइपरफॉस्फाइट। ये अल्कली मेटल्स दिस इज अबाउट द अल्कली मेटल्स। अब अपन पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर एक मिनट होते हैं। ठीक है, वही वेट करो। सर वो NaH2PO2 है। बिल्कुल Na हाइपोफॉस्फेट है, सोडियम H2 NaH2PO2। हो गया सर। ग्रुप टू की बात करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ना वी नो दैट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। रेडियम तो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए अपन ज्यादा कुछ इसमें पढ़ेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन सबको पता है, और वैलेंसी भी प्लस टू होता है। एक्सेप्ट बेरिलियम,
हेलो सर, बोलो सर, पिछला स्लाइड दिखाया ना एक बार। ये पिछले स्लाइड को तो मैंने बहुत देर तक रखा हुआ है, फिर भी तुम लोग अभी तक नहीं लिख पाए। इतना टाइम लगाओगे तो टाइप फिर कैसे? हाँ सर, हो गया। तो जल्दी लिखो, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तुम लोगों को लिखने के लिए बोल दिया। मुझे पता है तुम लोग मतलब उसमें थ्योरी है सारा, और फिर तुम लोग टाइम ज्यादा लगाओगे, और मुझे वही लिखवाना है जो बुक में होगा। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर कॉल्ड अल्कलाइन मेटल्स। बेरिलियम को अपन अल्कलाइन नहीं बोलते क्योंकि वो बेसिक बनाता ही नहीं है, ना ऑक्साइड ना हाइड्रोक्साइड। So beryllium is not alkaline earth metal. बाकी सब alkaline earth metal होते हैं। अगर हम physical properties की बात करेंगे, तो ionization energy, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये सब प्रॉपर्टीज अपन को ऑलरेडी पीरियडिक प्रॉपर्टीज में आप बता चुके हैं, बताने की वापस जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन की बात करूंगा तो हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन द साइज। बेरिलियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम से। पूरे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ आइंस, रिवर्स हो जाएगा ना, कि जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा। बेरियम का ज्यादा होगा स्ट्रॉन्शियम से। फ्लेम टेस्ट, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट अपन कैसे करेंगे? तो अपन कहेंगे एक मतलब जो बंसन बर्नर होता है स्कूल लैब में, हम क्या करेंगे, मेटल को एक प्लेटिनम वायर पे लेंगे, ये प्लेटिनम वायर हो गया और इस पे मेटल रख लेंगे, उसको बर्न करेंगे तो देयर विल बी अ कलर्ड फ्लेम जो इससे निकल रहे होंगे। तो कैल्शियम देता है, बेरियम देता है, कैल्शियम देता है और स्ट्रॉन्शियम देता है। तो बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, ये भी अपन ने बेरियम को बी सी एस मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और इनको ए बी सी लिख लिया। इज द कलर्स, ए मतलब एप्पल ग्रीन होगा, बी इज ब्रिक रेड, कैल्शियम विल शो द ब्रिक रेड, और स्ट्रॉन्शियम विल शो द क्रिम्सन रेड, रेड कलर ऑफ फ्लेम। दीज आर फ्लेम टेस्ट।
these are the flame tests. ये फ्लेम टेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। It depends on the electropositive character. It is proportional to the electropositive character of the metal. Character of metal. Character of the metal. Most of the compound of beryllium is the compound of beryllium. Is covalent. Whereas magnesium is partially ionic. But the calcium, strontium, and barium forms ionic compound. वो ionic compound बनाते हैं. They form ionic compound. मोस्टली इस चैप्टर में अपन को मतलब कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम तो एक जैसे ही बिहेव करेंगे जैसे अल्कली मेटल है, बट बेरिलियम के लिए अपन को काफी लिखना होगा और मैग्नीशियम के लिए थोड़ा बहुत. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन लिखते हैं reactivity with oxygen. Reactivity with oxygen. Beryllium and magnesium are chemically inert. Towards O2 due to formation of oxide layer. Oxide layer on the surface. On their surface. But powdered form. Powdered form.
और रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म oxide. Beryllium or magnesium reacts to form beryllium oxide. बट अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को अपन एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, एयर मींस O2 एंड N2, देन इट फॉर्म्स बेरिलियम ऑक्साइड प्लस बेरिलियम नाइट्राइड. अगर एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एयर में O2 भी होता है, N2 भी होता है, दैट्स व्हाई वो नाइट्राइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं एयर में. लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन होगा तो फिर हीट करने से ऑक्साइड ही बनाएगा. But calcium with oxygen gives calcium oxide. Strontium with oxygen gives strontium oxide. Then again it reacts with O2. 500 degree centigrade pe to SrO2, that is superoxide. SrO2 hoga to it is peroxides. It will form peroxides. So, strontium and barium form peroxide. Forms peroxide. Beryllium oxide is amphoteric in nature. Amphoteric in nature. Is amphoteric in nature. So we can write that beryllium oxide amphoteric का मतलब वो acid से भी react करेगा, वो base से भी react करेगा. That is what we mean by the amphoteric. Acid से react करोगे तो ये base होगा और base से react करोगे तो acid होगा. So this will form BeCl2. Plus H2O. This will form Na2BeO2. या फिर अपन इसको वाटर के फॉर्म में एक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिख सकते हैं BeOH whole form. This is sodium berylate. Berylate. This is called sodium berylate. Generally, oxides are formed by thermal decomposition of. Thermal decomposition of carbonate, sulfate, hydroxides, and nitrates. Beryllium do not react with water. Water. But magnesium reacts on boiling. But Mg reacts on boiling. Whereas calcium, strontium, and barium can react with water. वो react कर सकते हैं. वो तो cold water से भी react कर सकते हैं. The calcium, strontium, and barium. They can even react with the cold water.
रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन. एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल विल रिएक्ट विथ डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन. ऑल मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्रेट्स. They form metal hydrates. But beryllium hydride is prepared as thoda special method se prepare karna hota hai. Apan ko beryllium chloride lena hota hai aur usko lithium aluminum hydrate se react karna hota hai to get beryllium hydride. बाकी लिथियम क्लोराइड बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा. BeH2 इज कोवेलेंट सो एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर. पॉलीमर कोवेलेंट सो एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर विथ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एज एन BeH2 एज एन B2H6. ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर. यस सर. Magnesium hydride is partially ionic. Whereas calcium hydride, strontium hydride, and barium hydride are ionic in nature. Baki ionic hote. सर आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन लेयर के बीच में है क्या कुछ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर होता है. ऑक्साइड लेयर इनके ऑक्साइड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं. अगर ऑक्साइड लेयर बन गया तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है. हो गया.
कैल्शियम हाइड्राइड इज कार्बोनेट हाइड्रोलेट डन सर ऑल दी हाइड्राइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर लिबरेट्स H2 गैस indicates they are strong reducing agent. Indicate they are strong reducing agent. Third, we can write reactivity towards halogen. Halogen. A reactivity towards halogen. All except beryllium. Beryllium थोड़ा different behave करता है because it is not an alkaline earth metal. Alkaline earth metal नहीं होता है. Except beryllium, all reacts directly with. All metals. अगर अपन इनको हेलोजन के साथ हीट करें, they form metal halides. They form metal halides. The beryllium halide is prepared as अगर फ्लोराइड बनाना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड इसको हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 CO2 एटमॉस्फेयर CO2 इसलिए क्योंकि वो ऑक्साइड ना हो वो रिएक्ट ना करे उससे So we get BeF2 plus NH4F. We'll get like this. Beryllium fluoride prepare करने का यही method होता है. अगर chloride prepare करना है, तो अपन oxide से prepare करते हैं. Beryllium oxide को react करेंगे, carbon plus Cl2 के साथ. ये आप directly carbon tetrachloride भी ले सकते हो. आप डायरेक्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो जैसे BE और इसको आप डायरेक्टली CCl4 से भी ले सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही केस में विल गेट दैट इसमें भी BeCl2 बनेगा और इसमें भी BeCl2 बनेगा वी गेट लाइक दिस तो अपन बता सकते हैं दोनों ही केस में विल गेट द बेरिलियम क्लोराइड अभी जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ना BeCl2 इन सॉलिड इट एग्जिस्ट इज अ पॉलीमर ये अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है पॉलीमर मतलब अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि अगर BeCl2 सॉलिड है अपने पास तो इट विल बी अ पॉलीमरिक फॉर्म या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा अगर अपन इसे हीट करेंगे तो BeCl2 जो होगा वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करेगा और डाइमर में वो sp2 होता है और BeCl2 को अगर अपन 1200 केल्विन से अबव हीट करेंगे तो
तो ये BeCl2 गैसियस स्टेट में होगा और गैसियस स्टेट में ये लीनियर होता है, मोनोमर होता है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ, अगर आप देखोगे तो अपन ने अच्छे से लास्ट में जो कंपाउंड लिखे हुए हैं ना उनमें अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ है, बेरिलियम क्लोराइड को लास्ट में अपन ने काफी सारे कंपाउंड डिस्कस किए हुए हैं, उनमें बेरिलियम क्लोराइड को भी डिस्कस किया अपन ने स्ट्रक्चर के साथ, तो आप उसको देख सकते हो, उसको स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किया। ये लिक्विड होगा, तो ये सॉलिड स्टेट होता है, ये लिक्विड होता है और ये गैसियस फॉर्म होता है। जो हैलाइड्स होते हैं ना वो सबके सब हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल एंड रेडिली फॉर्म्स हाइड्रेट्स। हैलाइड्स आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मींस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल और द मॉइस्चर and convert into their hydroxides. That is called hygroscopic. And readily converts into forms, hydrates. MgCl2 8H2 CaCl2 6H2O बनाता है, BaCl2 2H2O बनाता है, they all are acting as a dehydrating agents, so halides act as dehydrating agent. All the halides will act as a dehydrating agent. Even sometimes what happens, BeCl2 जो moisture को absorb करता है, तो they form beryllium hydroxide and the white fumes are liberated. तो जो व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl. कभी कभी ऐसे गिवन होता है कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद व्हेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर इट लिबरेट्स अ फ्यूम्स, द फाइव फ्यूम्स आर ऑफ जनरली क्लोराइड्स दैट इज ऑफ HCl. तो क्लोराइड के फ्यूम्स होते हैं। ये आपका हैलाइड्स, कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करके विल स्टार्ट कोई फिजिकल का टॉपिक शुरू करूंगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, कोई मतलब ऐसे टॉपिक देखेंगे, एग्जाम्स में आ रहा है अभी, 24 से एग्जाम है, तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, चलो भाई, थैंक यू। ठीक है ना, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।